सो हेलो एवरीवन, दिस इज प्रदीप सर। तो इस वीडियो पे हम लोग बात करने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। तो ये कॉम्प्लेक्स नंबर का अपना लेक्चर नंबर 3 है। तो सबसे पहली बात, एक बार भारत माता की जय। तो देखिए, अभी तक जो है ना, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर पे इमेजिनरी नंबर क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं, और एक बात इमेजिनरी नंबर पे आयोटा क्या होता है उसके बारे में जान चुके हैं। और आयोटा का कुछ टर्म्स था, जैसे मान लेते हैं कि आपका आई का पावर समथिंग है, जैसे 500 है, तो इसको हम लोग, इसका वैल्यू क्या होगा वो हम लोग निकालने सीख गए। कैसे निकालेंगे ना, आई इसको हम लोग डिवाइड करेंगे 500 को 4 से। 500 को हम क्या करते थे, 4 से डिवाइड कर देते थे। तो एक बार में ये जाएगा तो ये कितना हो जाएगा ना, ये दो बार में जाएगा ये कितना हो जाएगा ना, 8, और ये कितना हो जाएगा, 2, और ये 5 बार में जाएगा। यानी हम इसको आई द पावर 4 द पावर 125 लिखते तो ये 1 कर देते थे। हम लोग ये तक देख चुके हैं। और आई का पावर अपना कुछ भी रहेगा, आई का पावर अपना कुछ भी रहेगा, तो हम उसका वैल्यू निकालने सीख गए थे। इतना तक अपने को कॉन्सेप्ट मिल चुका है। तो देखिए, एक चीज़ छोटा सा चीज़ है, यदि आप क्वेश्चन जो लगाए हो वहाँ पे मैंने एक क्वेश्चन छोड़ा हुआ है, तो उस क्वेश्चन का करना क्या है ना, आपको आंसर बना के भेजना है। तो उस पे जो है ना, आपका ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का कॉन्सेप्ट का जरा सा यूज होगा। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जरा सा क्या होता है वो जरा सा पढ़ लीजिएगा। यदि आप लोग से ना बने तो मैं नेक्स्ट वीडियो पे आप लोग को ये बताऊंगा। और यदि नहीं बना है तो आप लोग नीचे कमेंट सेक्शन में बोलिएगा ज़रूर कि सर वो क्वेश्चन अपने से नहीं बना। ठीक, तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आपका कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में। कॉम्प्लेक्स नंबर है क्या? बहुत ही आसान है, कॉम्प्लेक्स नंबर। देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर है। सेट ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर, बोलने का मतलब कि कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, दो नंबर से मिलके बना हुआ है। कॉम्प्लेक्स नंबर आपका दो नंबर से मिलके बना हुआ है। सबसे पहला है एक रियल नंबर, यानी कॉम्प्लेक्स नंबर, ये आपका क्या है ना, कॉम्बिनेशन है किसका ना, आपका रियल नंबर का, रियल नंबर प्लस आपका इमेजिनरी नंबर, इमेजिनरी नंबर्स। ठीक, अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर रियल नंबर है क्या, रियल नंबर है क्या, हम लोग इमेजिनरी नंबर तो देख चुके हैं। तो देखिए, रियल नंबर है ना, अभी तक हम लोग जितने भी नंबर्स पढ़े हैं सिवाय इमेजिनरी नंबर को छोड़ के, वो सारे नंबर क्या है ना, रियल नंबर है। बोलने का मतलब आप जानते होंगे होल नंबर, होल नंबर, होल नंबर में क्या होता है ना, ये 0 से लेके इन्फिनिटी तक जाता है, 0 1 2 लेके इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर ये क्या होता है ना, 1 से स्टार्ट होके इन्फिनिटी तक जाता है। उसके बाद रेशनल नंबर, जैसे 1/2, 2/3, उसके बाद √3, ये इरेशनल नंबर, ये सारे क्या है ना, आपके रियल नंबर है। यानी बोलने का मतलब ऑल पॉजिटिव एंड नेगेटिव नंबर आर कॉल्ड रियल नंबर। ठीक, यहां तक समझ रहे हो? तो ये रियल नंबर समझ रहे हो, इमेजिनरी नंबर वैसा नंबर जिसके जिस जो क्या ना, रूट के अंदर में माइनस हो। यदि रूट के अंदर में माइनस हो गया तो वो क्या हो गया ना, इमेजिनरी नंबर हो गया। मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी नंबर है। अब बात आता है कि इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग लिखते कैसे हैं। अब इस कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लिखते कैसे हैं, तो देखिए यहाँ पे आर जोड़ लीजिएगा। तो देखिए, कॉम्प्लेक्स नंबर जो है ना, वो हम लोग जनरली जेड से दिखाते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर को हम जेड से दिखाते हैं, और जेड इक्वल टू होता है आपका
प्लस आई बी, जेड इक्वल क्या होता है आपका ए प्लस आई बी। ये आपका जेड क्या है ना, एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, कॉम्प्लेक्स नंबर ठीक। और ये जो है ये आपका क्या है ना, रियल पार्ट है, रियल पार्ट है। और ये जो है आपका क्या है ना, इमेजिनरी पार्ट है, इमेजिनरी पार्ट है। यहां तक समझ लो। अब देखिए ये देखा जाए तो यहां पे अब मन में ख्याल आ रहा होगा कि सर ए और बी है क्या, ए और बी है क्या। तो ए और बी, ए एंड बी बिलोंग्स टू, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, ए एंड बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यहां तक समझ लो ठीक है, इसे लिखो। अब देखिए अब है क्या, हम यदि बोले कि कुछ एग्जाम्पल और दीजिए सर, तो जैसे हम लिखते हैं जेड इक्वल टू, जेड इक्वल टू 7 प्लस 8 i, 7 प्लस 8 i ठीक ना। तो ये क्या हो गया ना, ये वाला चीज 7 प्लस 8 i, ये आपका क्या हो गया ना, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, जिसपे 7 क्या है ना रियल पार्ट है, और 8 क्या है ना इमेजिनरी पार्ट है। यहां तक क्लियर है। और हम एग्जांपल देते हैं, जैसे जेड इक्वल टू -7/2 + 3 i, जेड इक्वल टू -7/2 + 3 i, ये भी क्या है ना एक रियल नंबर है, सॉरी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जिसपे ये क्या है ना रियल पार्ट है, ये क्या है आपका इमेजिनरी पार्ट है, इसे लिख लो। तो देखिए हम लोग देखे क्या, कॉम्प्लेक्स नंबर ये क्या है ना, कॉम्बिनेशन ऑफ रियल नंबर एंड इमेजिनरी है नंबर है। तो देखिए जेड इक्वल हम लोग क्या देखे, ए प्लस आई बी, और ये क्या है रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। कुछ एग्जांपल हम लोग देखे हैं, जेड इक्वल टू 7 प्लस 8 i, जेड इक्वल टू √2 + 3 i, जेड इक्वल टू -7/2 + 8 i, ये सारे क्या है ना आपके कॉम्प्लेक्स नंबर है, ये सारी चीज आपके क्या है ना कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए इस पे एक चीज आता है आपका प्योरली प्योरली रियल नंबर, और एक है आपका प्योरली इमेजिनरी। प्योरली इमेजिनरी अब है आपका प्योरली रियल नंबर और प्योरली इमेजिनरी नंबर। जैसे यहां पे देखिए ये जो था, ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड इक्वल टू 7 + 8 i, तो हम यदि लिखे, हम कोई भी एक नंबर को बोलेंगे प्योरली रियल नंबर तभी हम बोलेंगे, जैसे जेड को हम प्योरली रियल नंबर तभी बोलेंगे जब आपका क्या रहेगा ना ये वाला पार्ट, ये 8 i क्या होगा ना जीरो हो जाएगा, 8 i क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा। बोलने का मतलब जब जेड इक्वल टू 7 रहेगा तो ये क्या होगा ना प्योरली रियल कहलाएगा। बोलने का मतलब प्योरली रियल नंबर में जो होगा इमेजिनरी पार्ट, यानी इमेजिनरी पार्ट को हम लोग दिखाते हैं आई एम जेड से, इसे हम क्या दिखाते हैं इमेजिनरी जेड। बोलने का मतलब कि इस जेड का इमेजिनरी पार्ट, ये आई एम जेड जो है इमेजिनरी जेड, वो क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए। जैसे यहां पे जेड का प्योरली रियल क्या है, इस पे प्योरली रियल नंबर क्या है ना √2 है, यहां पे हम यदि जेड का बात करें तो प्योरली रियल नंबर क्या है ना -7 है। अब देखिए प्योरली इमेजिनरी का केस में क्या होना चाहिए ना, रियल पार्ट जीरो होना चाहिए, यानी आर जेड इक्वल टू जीरो, आर जेड इक्वल टू क्या होना चाहिए जीरो। बोलने का मतलब ये सारे टर्म यदि जीरो हो जाएंगे, ये सारे पार्ट यदि जीरो हो जाएंगे तो वो क्या कहलाएगा ना प्योरली इमेजिनरी कहलाएगा। बोलने का मतलब जैसे जेड इक्वल टू जब सिर्फ 8 i होगा,
जेड इक्वल टू सिर्फ 8i, तो ये क्या है ना, आपका प्योरली इमेजिनरी है। यदि जेड इक्वल टू 3i हो गया तो ये क्या है ना, आपका प्योरली इमेजिनरी है। यदि जेड इक्वल टू यहाँ पे फिर से यदि 8i हो गया तो ये क्या है ना, आपका प्योरली इमेजिनरी है। बोलने का मतलब कि बस ये चीज़ याद रखिएगा कि प्योरली इमेजिनरी में आपका रियल पार्ट जीरो होगा और प्योरली रियल में आपका इमेजिनरी पार्ट जीरो होगा। ये है आपका प्योरली रियल और प्योरली इमेजिनरी का कॉन्सेप्ट। तो इसे जल्दी से लिखिए। अभी तक हम लोग क्या देखे कि कॉम्प्लेक्स नंबर जेड इक्वल टू देख लिए ए प्लस आई बी और आपका प्योरली इमेजिनरी प्योरली रियल हम लोग सीख गए। यहाँ तक मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आता है आपका कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो देखिए ये होता क्या है, तो देखिए कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, कंजुगेट ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बोलता क्या है। जैसे मान लेते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी। तो देखिए इस कॉन्जुगेट में बोलता क्या है, जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, तो हम कॉन्जुगेट को दिखाते हैं कुछ इस तरह से। जेड ऊपर में आप डाल लोगे बार इक्वल टू, हम लिखेंगे ए माइनस आई बी। तो ये जो हो गया ये जेड बार यानी ए माइनस आई बी, ए प्लस आई बी का क्या हो गया ना, कंजुगेट हो गया। बोलने का मतलब जैसे हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जेड इक्वल टू 8 प्लस 4i, जेड इक्वल टू 8 प्लस 4i, हम यदि इस बोले कि जेड का कंजुगेट निकालो यानी जेड बार लिखो, तो जेड बार क्या हो जाएगा ना, 8 माइनस 4i। उसी तरह हम और एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखते हैं जैसे जेड टू, इसको लिखते हैं 2/3 -9i, ठीक ना। अब इसका कंजुगेट करना है तो इसका कंजुगेट क्या जाएगा ना, जेड टू बार, यहाँ पे माइनस से इसे प्लस कर दो यानी 2/3 +9i। बोलने का मतलब हम लोग जानते क्या है, जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, और हम ए को लिख सकते हैं आर जेड, ए को लिख सकते हैं ना आर जेड, क्योंकि ये क्या है ना रियल पार्ट है और ये क्या है इमेजिनरी पार्ट है यानी आई एम जेड, ठीक ना। यानी आर जेड जेड इक्वल टू आर जेड प्लस इमेजिनरी जेड, ये लिख सकते हैं। अभी हम लोग देखे ना स्टार्टिंग में, ठीक है। जब हम इतना लिख सकते हैं, जब हम क्या कर सकते हैं जेड इक्वल टू इतना लिख सकते हैं, तो इसका जो होता है, इसका जो कंजुगेट होता है, बस करना क्या है ना आर जेड माइनस इमेजिनरी जेड कर देना, बस यही है। यानी इमेजिनरी को क्या कर देना है ना, एक बार माइनस से गुणा कर देना है। यदि वो माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, प्लस रहेगा तो माइनस में। सिर्फ और सिर्फ हम इमेजिनरी के साथ ही करेंगे, रियल के साथ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ इमेजिनरी। और कुछ क्वेश्चंस हम लोग कर लेते हैं। जैसे हम लिखते हैं जेड इक्वल टू 9/4 + 7i, तो इसका हम लोग बोलेंगे कि कंजुगेट लिखो, तो ये क्या हो जाएगा 9/4 - 7i, ये इसका क्या हो गया ना कंजुगेट हो गया, इस चीज का कंजुगेट हो गया। तो इसे जल्दी से लिख लीजिए। अब देखिए नेक्स्ट आता है आपका मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, मॉडुलस। ये बोलता कि बहुत ही आसान है, मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। तो ये बताता क्या है, मान लेते हैं कि हम कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड इक्वल टू ए प्लस आई बी, हम एक एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। ये क्या है इमेजिनरी पार्ट, सॉरी रियल पार्ट है और ये इमेजिनरी पार्ट है। अब अपने को ये बोल रहा है कि इसका मॉडुलस बताना है, इसका क्या करना है ना मॉडुलस बताना है। तो इसका मॉडुलस क्या होगा, इसका मॉडुलस क्या होगा,
तो देखिए इसका जो मॉडुलस होगा वो हो जाएगा, हम लोग मॉडुलस को इस तरह से दिखते हैं, ये क्या है ना कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस। ठीक, मॉडुलस इक्वल टू होता है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये चीज जरा सा दर्द दे रहा होगा कि सर ये चीज है क्या, इसका कुछ फिजिकल सिग्निफिकेंस बताइए, ये जरा सा दर्द दे रहा होगा। तो देखिए यदि आप इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर को डिटेल में स्टडी करोगे ना, तो एक आता है आपका कॉम्प्लेक्स प्लेन। कॉम्प्लेक्स प्लेन क्या होता है वो अभी भूल जा, बस ये जानो कि हम लोग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बारे में जानते थे। यहाँ पे क्या होता था, ये एक्स एक्सिस हो जाता था और ये वाई एक्सिस होता था। तो उसी तरह जब हम लोग कॉम्प्लेक्स प्लेन के बारे में जिक्र करते हैं तो ये आपका होता है रियल एक्सिस और ये होता है आपका इमेजिनरी एक्सिस। ठीक, इमेजिनरी एक्सिस में क्या रहेगा, ना आपका आई रहेगा, रियल एक्सिस में कुछ नहीं, बस उसमें रियल नंबर ही रहेंगे। तो मान लेते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर को दिखा रहे हैं, जैसे ये है आपका जेड वन और जेड वन क्या है ना आपका दिखा रहा है ए आई बी, ए आई बी। तो इसका ओरिजिन से यहां से ये वाला जो डिस्टेंस होगा, ये वाला डिस्टेंस यही क्या है ना मॉडुलस है। बोलने का मतलब कि देखिए यहां से हम इधर जाएंगे ए और हम इधर जाएंगे बी, तो ये जब ए हो गया और ये जब बी हो गया, ये जब आपका क्या हो गया ए हो गया और ये बी हो गया, तो बस इस ये वाला लेंथ क्या हो जाएगा ना अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लगाना है, समझ लो, बस यही है आपका मॉडुलस। इसके बारे में हम लोग डिटेल में स्टडी करेंगे, बस ये जानिए कि मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है, अंडर रूट ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। यहाँ पे मन में ख्याल आ रहा होगा सर ये इस आई को क्यों छोड़ दिए, तो यहाँ पे आई का अभी कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, यहाँ पे आई का आपका कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, बस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होगा। इसे जल्दी से लिखिए, अब देखिए इस मॉडुलस से हम कुछ क्वेश्चन करते हैं। जैसे हम जेड इक्वल टू हम लोग लिखते हैं थ्री प्लस फोर आई, थ्री प्लस फोर आई। अब इसका अपने को मॉडुलस निकालना है, यानी जेड मॉडुलस, ये क्या हो जाएगा अंडर रूट थ्री का स्क्वायर प्लस फोर का स्क्वायर। बोलने का मतलब क्या हो जाएगा ना नाइन प्लस सिक्सटीन, मतलब कि पच्चीस यानी फाइव, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड क्या हो जाएगा ना फाइव हो जाएगा। और क्वेश्चन लेते हैं हम, जैसे और एक क्वेश्चन लेते हैं आपका, मान लो कि जेड इक्वल टू फाइव प्लस ट्वेल्व आई, जेड इक्वल टू फाइव प्लस ट्वेल्व आई, यहाँ पे माइनस कर दो, ठीक ना। अब इसका क्या करना है ना, अपने को मॉडुलस निकालना है, तो इसका मॉडुलस क्या जाएगा मॉड जेड इक्वल टू अंडर रूट फाइव का स्क्वायर प्लस माइनस ट्वेल्व का स्क्वायर, करो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक ना। तो करोगे तो क्या आ जाएगा ना ट्वेंटी फाइव प्लस वन फोर्टी फोर, बारह का स्क्वायर ये होता है ना 144, ठीक है, यानी इसे जब जोड़ोगे तो क्या आ जाएगा ना नाइन हो जाएगा, नाइन सिक्स वन, और ये कितना होगा ना थर्टीन, ठीक, ये क्या हो जाएगा मॉडुलस ऑफ जेड हो जाएगा, इसे लिख लीजिए। तो ये आपका क्या है ना मॉडुलस ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर। और एक बार मॉड जेड इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यदि ये आपका कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है। तो आगे बढ़ते हैं, इसे जल्दी से लिखिए। तो देखिए जरा आपसे शिकायत है जी, एक छोटा सा काम कीजिएगा, आप लोग जो है ना कि वीडियो को देखते हो और लाइक नहीं करते हो, तो यदि सीखते हो ना तो कुछ तो लाइक कर दिया करो। तो इस वीडियो का हम लोग टारगेट रखे हैं 50 लाइक्स, तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दिया करो। और दूसरी बात, कुछ भी डाउट्स रहते हैं ना तो वो नीचे कमेंट सेक्शन पे जाओ और उसे लिखा करो कि हाँ सर ये चीज़ समझ में नहीं आया। बट बेस्ड ऑन माय एक्सपीरियंस, आपके जितने टाइप्स के डाउट्स आ सकते हैं, मैं उन सारे डाउट को वीडियो बनाने से पहले सोचता हूँ, और दो साल के एक्सपीरियंस में ऐसे डाउट आना नहीं चाहिए, फिर भी यदि स्टिल कोई भी डाउट आपके मन में आते हैं ना तो वो जल्दी से
एकदम बिना कोई हिचक के आप कमेंट सेक्शन पे जाओ और डाउट्स को पूछा करो, ठीक ना। कुछ भी यदि सिली कुछ भी डाउट रहता है ना तो पूछा करो, कमेंट सेक्शन पे लिखा करो, ठीक। अब देखिए नेक्स्ट है आपका इक्वलिटी ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर, यानी कब कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर कब क्या रहेंगे ना, इक्वल रहेंगे। मान लेते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिखे हैं जेड वन, जेड वन इक्वल टू क्या है ना आपका ए वन प्लस आई बी वन, और एक आपका कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड टू, जेड टू इक्वल टू क्या है आपका ए टू प्लस आई बी टू, ये दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब देखिए ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब रहेंगे, ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर आपके इक्वल कब रहेंगे, ये दोनों तभी इक्वल रहेंगे जब आपका ए वन इक्वल टू ए टू रहेगा और बी वन इक्वल टू बी टू रहेगा। जब आपका क्या रहेगा ए वन इक्वल टू ए टू रहेगा और बी वन इक्वल टू बी टू रहेगा। यदि ये चीज हो जाता है, यदि आपका ये चीज हो जाता है तो ये जेड वन इक्वल टू जेड टू हो जाएगा, जेड वन इक्वल टू जेड टू हो जाएगा। तो इस पे हम एक क्वेश्चन करते हैं। तो मान लेते हैं कि एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका है 2y, 2y प्लस 3x माइनस वाई इंटू आई इक्वल टू 5 माइनस 2 आई। ये आप तो देखिए इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे, इस क्वेश्चन को आप कैसे अप्रोच करोगे। तो देखिए है ना कि ये इक्वल टू का मतलब दिखा रहा है कि ये दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है ना आपका इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है, यानी दोनों नंबर आपस में क्या है ना इक्वल है। तो देखिए जब ये दोनों नंबर ये और ये जब इक्वल कॉम्प्लेक्स नंबर है तो यहाँ पे एक चीज हम लोग कर सकते हैं, आपका इसका रियल पार्ट क्या है ना 2y है, इसका रियल पार्ट 2y है और इसका रियल पार्ट 5 है, इसका इमेजिनरी पार्ट 3x माइनस वाई है और इसका क्या है ना 2 है। तो हम क्या करेंगे ना इसका रियल पार्ट को इक्वल कर देंगे, यानी 2y इक्वल टू 5, 2y इक्वल टू 5, देयरफॉर y इक्वल टू क्या हो जाएगा ना 5 बाय 2 हो जाएगा, y इक्वल टू आपका 5 बाय 2 होगा। उसी तरह आपका क्या हो जाएगा ना 3x माइनस वाई इक्वल टू क्या है ना आपका माइनस 2 है। तो देखिए हम लोग y का वैल्यू पता है, y का वैल्यू क्या है ना 5 बाई 2 है, यानी क्या हो जाएगा 3x इक्वल टू माइनस 2 प्लस y, और यहाँ पे आप लिखिए तो माइनस 2, वाई का वैल्यू कितना है ना 5 बाई 2 है। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा 2 ये माइनस 4 प्लस 5 यानी 1 बाई 2, यानी x का वैल्यू क्या हो जाएगा यानी 3x का वैल्यू 1 बाई 2 हो जाएगा, देयरफॉर x का वैल्यू क्या हो जाएगा x का वैल्यू 1 बाई 6, इसे लिखिए x का वैल्यू 1 बाई 6। अब देखिए नेक्स्ट है आपका सम एंड डिफरेंस ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, तो इस पे है क्या मतलब कि हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर को कैसे जोड़ेंगे या फिर कैसे घटाएंगे। ये बहुत ही आसान है, बस इस पे एक छोटा सा आपको जो है ना चीज़ों को याद रखना पड़ेगा, बस बेसिक चीज़ है। वो बेसिक चीज़ क्या है, वो है ना कि आपका जो रियल नंबर है वो रियल नंबर के साथ जुड़ेगा और जो इमेजिनरी नंबर है वो किसके साथ जुड़ेगा ना इमेजिनरी के साथ ही जुड़ेगा, और एक बार रियल रियल के साथ जुड़ेगा, इमेजिनरी इमेजिनरी के साथ जुड़ेगा। बोलने का मतलब जी मान लेते हैं कि हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लिए जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन और जेड टू इक्वल टू हम लोग लेते हैं जेड टू इक्वल टू ए टू प्लस आई बी टू, ये ले लिए। अब अपने को क्या करना है इसका सम करना है, जैसे जेड वन प्लस जेड टू, जेड वन प्लस जेड टू, तो जेड वन प्लस जेड टू होगा क्या ना जेड वन का रियल ये और ये जुड़ेगा, यानी ए वन प्लस ए टू ये जुड़ेगा प्लस आपका इमेजिनरी यानी आई बी वन और आई बी टू जुड़ जाएगा। बोलने का मतलब कि बी वन प्लस बी टू के साथ क्या हो जाएगा ना आई गुणा हो जाएगा, ये क्या हो गया ना आपका एडिशन हो गया, ये आपका एडिशन हो गया। उसी तरह अब इसका क्या है ना सब्सट्रैक्शन है, जैसे जेड वन माइनस जेड टू, जेड वन माइनस जेड टू, तो ये होगा ना कि हम रियल को रियल के साथ घटाएंगे, यानी ए वन माइनस ए टू
क्या हो जाएगा, प्लस आपका क्या हो जाएगा ना बी वन माइनस बी टू इंटू आई, ये क्या है ना आपका सब्ट्रैक्शन है, इसे लिख लीजिए। अब देखिए हम इससे कुछ क्वेश्चन को करते हैं, जैसे मान लेते हैं हम एक कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हैं जेड वन इक्वल टू, सेवन प्लस थ्री आई, और एक लेते हैं जेड टू इक्वल टू एट प्लस सेवन आई, हम दो कॉम्प्लेक्स नंबर लिए हैं, अपने को निकालना है जेड वन प्लस जेड टू, अपने को क्या निकालना है ना जेड वन प्लस जेड टू। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जेड वन प्लस जेड टू यानी जेड वन का रियल और जेड टू का रियल ये दोनों जुड़ेगा, यानी आठ और सात कितना हो जाएगा, यानी देखा जाए तो सेवन प्लस एट प्लस क्या हो जाएगा थ्री प्लस सेवन आई, यानी थ्री प्लस सेवन आई, ठीक, यानी ये क्या हो जाएगा 15 प्लस 10 आई, ये क्या है ना आपका जेड वन प्लस जेड टू। अब यही यदि आपका बोल देता जेड वन माइनस जेड टू, बोलता तब क्या करते आप ना सेवन माइनस एट यानी सेवन माइनस एट प्लस क्या हो जाता ना थ्री माइनस सेवन, इंटू आई, बोलने का मतलब क्या हो जाएगा माइनस वन माइनस फोर आई, इसे लिख लीजिए माइनस वन माइनस फोर आई, इसे लिख। अब देखिए अब जो है ना ये सब एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे ना कुछ आपका प्रॉपर्टीज है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे आपका क्या है ना कुछ प्रॉपर्टीज है, उस प्रॉपर्टीज को हम जरा सा देख लेते हैं। यदि हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे, यदि हम कोई भी क्या करेंगे दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ेंगे तो अपने को कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, अपने को क्या मिलेगा ना कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ये सबसे पहला प्रॉपर्टी है। यदि हम कोई भी दो कॉम्प्लेक्स नंबर को जोड़ते हैं तो अपने को क्या मिलता है ना आपका कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, बोलने का मतलब जैसे अभी हम लोग देखे हैं यानी जेड वन प्लस जेड टू, यानी ये जो मिलेगा ना अपने को एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा, ठीक, और इसी को हम लोग बोलते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी, CLOSUR, क्लोजर प्रॉपर्टी, ठीक, इसे लिखिए। अब देखिए दूसरा प्रॉपर्टी है क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, बोलने का मतलब कि जैसे हम मान लेते हैं जेड वन प्लस जेड टू करते हैं तो हम लोग यदि जेड वन में जेड टू प्लस कर रहे हैं तो हम लोग जेड टू पे यदि जेड वन प्लस करेंगे तो भी क्या होगा ना सेम चीज आएगा, और हम लोग इसे बोलते हैं क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी, इसे लिखिए। अब देखिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी होता है आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, मान लेते हैं कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन प्लस जेड टू, अब हम इस पे क्या करें तीसरा कॉम्प्लेक्स नंबर जोड़ देते हैं तो ये इक्वल टू हम लिख सकते हैं जेड वन प्लस, आप क्या कीजिए ना जेड टू प्लस जेड थ्री कीजिए, ये क्या है ना आपका एसोसिएटिव प्रॉपर्टी है, इसे लिखिए, ठीक, ये प्रॉपर्टी। अब देखिए अब आपका आता है मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, यदि अपने को दो कॉम्प्लेक्स नंबर रहेगा तो उसका हम लोग मल्टीप्लीकेशन कैसे करेंगे, तो लिखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, ये बहुत ही आसान है, मल्टीप्लीकेशन जो है ना बहुत ही आसान है, बस जरा सा आई का कॉन्सेप्ट को याद रखिएगा। जैसे मान लेते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर है जेड वन इक्वल टू ए वन प्लस आई बी वन, जेड वन इक्वल टू क्या है आपका ए वन प्लस आई बी वन, और एक कॉम्प्लेक्स नंबर है आपका जेड टू, ये है आपका ए टू प्लस आई बी टू,
ए टू प्लस आई बी टू, ये है। अब अपने को इसका मल्टीप्लिकेशन करना है, इसका क्या करना है ना, मल्टीप्लिकेशन करना है, एकदम आसान है। तो देखिए इसको करोगे कैसे, जिस तरह से आप सिंपल गुणा करते हो ना, एकदम वैसे ही गुणा करना है। बोलने का मतलब कि जेड वन इंटू जेड टू, बस इसे लिख दो, ए वन प्लस आई बी वन इंटू ए टू प्लस आई बी टू। अब क्या करो ना, इसको इससे गुणा करो, जिस तरह से आप गुणा करते थे, ये एक्स प्लस वाई और पी प्लस जेड, इसका जिस तरह से गुणा करोगे सेम गुणा यहाँ पे भी करोगे, तो क्या हो जाएगा, ये इससे गुणा होगा, यानी ए वन ए टू प्लस ए वन, ये ए वन बी टू इंटू आई होगा, ये इससे जब होगा तो प्लस आई, ये यानी आई बी वन, आई बी वन इंटू ए टू होगा, ये इससे हुआ। अब ये इससे होगा प्लस, यहाँ पे देखिए आई दो बार है, यानी आई स्क्वायर बी वन बी टू, आई स्क्वायर बी वन बी टू। अब जरा गौर कीजिएगा, आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है ना, माइनस वन होता है, आई स्क्वायर वैल्यू माइनस वन, यानी हम यहाँ से लिख सकते हैं ए वन इंटू ए टू। अब देखिए ये क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यानी माइनस बी वन इंटू बी टू, ये हो गया प्लस। अब देखिए ये दोनों में क्या है ना, आई आई है, तो हम यहाँ से क्या करते हैं ना, आई कॉमन ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा ए वन बी टू प्लस बी वन ए टू, इस चीज़ को लिखो। तो देखिए ये इस पे क्या है ना, ये रियल पार्ट हो गया, रियल पार्ट, ये क्या हो गया ना, इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसे लिखिए। तो ये है आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बहुत ही आसान है, बस जिस तरह से हम गुणा करते हैं उसी तरह से गुणा करेंगे, बस इस आई स्क्वायर का वैल्यू को हम लोग माइनस वन में कन्वर्ट कर देंगे और इसे बस सजा देना। तो ये आपका रियल पार्ट हो गया, ये आपका इमेजिनरी पार्ट हो गया, इसे लिखिए। अब देखिए जरा सा इधर गौर कीजिएगा, हम इसको करते गुणना, जैसे जेड वन इक्वल टू है थ्री प्लस फोर आई, और आपका है एक है जेड टू इक्वल टू सेवन प्लस थ्री आई, अपने को निकालना है जेड वन इंटू जेड टू, ये दोनों को क्या करना है, मल्टीप्लीकेशन करना। कैसे करोगे, तो देखिए एक तो डायरेक्ट ये वाला फॉर्मूला लगा दो, या फिर जिस तरह से हम लोग गुणना करते हैं सेम गुणना कर दो, तो हम पहले सिंपल ही चलते हैं। तो ये इंटू ये, यानी थ्री इंटू सेवन प्लस थ्री इंटू थ्री आई, यानी नाइन आई होगा, प्लस फोर इंटू सेवन यानी ट्वेंटी एट आई, और ये फोर इंटू थ्री बोले तो ट्वेल्व आई स्क्वायर। अब देखिए आई स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है, माइनस वन होता है, तो बस यहाँ पे क्या हो जाएगा, सात या इक्कीस, ये क्या गुणना है, इक्कीस माइनस ट्वेल्व, क्योंकि माइनस हो जाएगा, ये क्या हो गया रियल पार्ट, प्लस नाइन प्लस ट्वेंटी एट यानी कितना हो जाएगा ना, थर्टी सेवन आई। बोलने का मतलब ये क्या हो जाएगा ना, ये हो जाएगा नाइन प्लस थर्टी सेवन आई, ये जेड वन इंटू जेड टू हो जाएगा, जेड वन इंटू जेड टू, इसे लिखिए। और एक क्वेश्चन को हम लोग लेते हैं, जैसे जेड वन इक्वल टू माइनस टू प्लस थ्री आई, और जेड टू इक्वल टू फोर माइनस सेवन आई, अपने को निकालना है जेड वन इंटू जेड टू, जेड वन इंटू जेड टू। तो देखिए करोगे क्या, इसको गुणा करोगे, यानी ये इंटू ये, यानी इसको जरा से यहाँ पे लिख दो, फोर माइनस सेवन आई, यानी टू माइनस टू इंटू फोर होगा, तो क्या आ जाएगा माइनस टू इंटू फोर, माइनस टू इंटू माइनस सेवन प्लस माइनस टू इंटू माइनस सेवन आई, ये होगा प्लस, प्लस क्या हो जाएगा थ्री आई इंटू फोर, थ्री आई इंटू फोर, दिख रहा है ना, दिख रहा। और आपका क्या हो जाएगा,
ना 3i into -7, यानी 3i into -7i, ये लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, दिस इंटू दिस यानी 2 गुना 4 यानी -8, ये इंटू ये, देखिए ये माइनस और ये माइनस, क्या हो जाएगा +14i। अब देखिए 3i into 4 यानी क्या हो जाएगा 12i, और देखिए ये -21 into i² होगा। ठीक, अब देखिए यहाँ पे ये माइनस और आई स्क्वायर भी क्या है, माइनस, वो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, यानी -8 और ये क्या हो जाएगा +21, -8 + 21 प्लस ये क्या हो जाएगा, ये प्लस ये, तो ये क्या हो जाएगा ना 26i। तो इसे जब आप सॉल्व करोगे, इसे जब आप सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा ना, 21 पे आप 8 घटा दोगे, 21 पे क्या करोगे 8 घटाओगे, तो ये कुछ आएगा ना 13 आएगा, यानी 13 + 26i, ये आपका क्या है ना Z1 into Z2 है। तो गुणना कुछ आप इस तरह से करोगे, इसे जल्दी से लिखो। तो देखिए अभी तक हम लोग जो चीज़ें सीखे हैं कॉम्प्लेक्स नंबर पे, उसे ज़रा हम लोग रिकैप कर लेते हैं। तो सबसे पहली बात, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है वो समझ गए हो। कॉम्प्लेक्स नंबर पे आपका इमेजिनरी पार्ट क्या होता है और रियल पार्ट क्या होता है वो समझ गए हो। कॉम्प्लेक्स नंबर में कंजुगेट क्या होता है वो समझ गए हो। कॉम्प्लेक्स नंबर का हम लोग मॉडुलस कैसे निकालते हैं वो समझ गए हो। दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग कैसे जोड़ते हैं घटाते हैं वो समझ गए हो। उसके बाद दो कॉम्प्लेक्स नंबर को हम लोग गुणना कैसे करते हैं ये समझ चुके हो। तो आप लोग से एक छोटा सा काम ये है ना कि जितने भी चीज़ें हैं इससे यदि आप लिखना भूल गए हो तो इसे फिर से वीडियो को देखिए और एक बार नोट्स बना लीजिए, जो बेसिक बेसिक मतलब ये जो बुलेट पॉइंट है उस तरह से लिखिए, जैसे कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है उसे लिखिए, उसके बाद मॉडुलस कंजुगेट, उसके बाद जोड़े कैसे और गुणना किए। नेक्स्ट वीडियो पे यानी कल हम लोग 7:30 बजे देखेंगे, कुछ क्वेश्चंस लगाएंगे और मल्टीप्लिकेशन को फिर हम लोग आगे लेके जाएंगे। ठीक, तो हम लोग कल मिलते हैं 7:30 बजे। तो उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, यदि अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की हो तो कर दीजिएगा। और एक बात है ना कि FB में ना वीडियो को पोस्ट किया करो, FB पे पोस्ट किया करो। और एक छोटा सा काम कीजिएगा, यदि आपका कोई भी गर्ल्स पॉलिटेक्निक में किसी को जानते हो ना तो उन्हें वीडियोज़ को शेयर कर दिया करो। इससे होगा ना कि मैं मैक्सिमम लोगों तक पहुंच जाऊंगा। ठीक, तो गर्ल्स पॉलिटेक्निक को ज़रूर शेयर करना, और जितने भी अभी नए पॉलिटेक्निक बने हैं ना वहाँ पे भी, यदि आपके कोई भी दोस्त हैं तो वहाँ पे भी करो। तो देखिए FB में करने से मेरे ख्याल से हर एक जगह पहुँच जाएगा, और ख़ास करके गर्ल्स पॉलिटेक्निक में ज़रूर करना। ठीक ना, मिलते हैं कल 7:30 बजे। ठीक, बाय।